हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ द एक्सोटिक बर्ड हाउस। और मैं दीप आप सभी को करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए, आज बहुत लोगों का एक रिक्वेस्ट था कि आसनसोल पेट मार्केट के ऊपर और एक फ्रेश वीडियो डालने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल में एक आसनसोल पेट मार्केट का वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में उसका लिंक होगा, वो आप देख सकते हो। और आज इस वीडियो में आप लोगों को आसनसोल पेट मार्केट का एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिव्यू देने वाला हूँ, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मैं आसनसोल गया था और उस टाइम पे ये वीडियो मैंने शूट किया था। और आसनसोल पेट मार्केट में इस टाइम में जाके जो रियलाइजेशन मुझे हुआ है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो इलीगल बर्ड है उन सब के ऊपर डीलिंग होता है, मतलब बेचा जाता है उसको। जैसे आपका ट्राइकलर मुनिया हो गया, जिसको श्याम सुंदर मुनिया भी कहते हैं, या आपका जो स्ट्रॉबेरी फिंच हो गया, वो भी इलीगल बर्ड है। और उसके साथ साथ जो इंडियन रिंग नेक है, जो रेड ब्रेस्टेड पैराकीट है, ये सब भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये ग्रीन वाला जो है, ये क्या नाम है इसका, ये कौन सा डब है? डब का प्रजाति है, बट इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। कितना करके है वो? 3,000 का है। जोड़ा 3,000 का है। अच्छा, रोजी है। और अभी अभी इस वीडियो के अंदर जो साउंड आपने सुना है कि मुझे भैया भैया करके कोई बुला रहा था, और वो उसी शॉप का ओनर था जो मुझे बोल रहा था कि इस सब के ऊपर वीडियो ना लो। और उन लोगों ने ऑलरेडी मुझे वीडियो जितना था वो सबको डिलीट करवाया और अलग से वीडियो शूट भी करने नहीं दिया। तो अगर कोई भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अगर कोई भी ये वीडियो को अगर देख रहे हैं, तो सर आपसे मेरा एक निवेदन है कि प्लीज़ ये सब को बंद किया जाए इमीडिएटली, क्योंकि ये सब बर्ड हम लोगों का नेचर के लिए बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ इन सब के ऊपर थोड़ा आपका नज़र होना चाहिए। प्लीज़ इन सब बर्ड को रेस्क्यू कीजिए और नेचर में छोड़ने के लिए आप लोगों के पास मेरा एक हार्दिक निवेदन है। सो प्लीज़ सर, प्लीज़ कुछ कीजिए, इन सब बर्ड्स को थोड़ा सा प्राइवेसी दीजिए और इन लोगों को नेचर में छोड़ने का कोशिश कीजिए। Thank you.
और तो फ्रेंड्स हैं, बहुत जल्द आप लोगों के सामने मेरा घर का जो ब्रीडिंग प्रोग्रेस है उसके ऊपर एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को मैंने बताया था कि आसनसोल बर्ड मार्केट का या पेट मार्केट का बर्ड्स का क्वालिटी एकदम ख़राब है। और यहाँ पे जितना भी बर्ड्स मैंने आप लोगों को दिखाया, शायद आप लोगों को पता चल गया होगा कि बर्ड्स का क्वालिटी कैसा है। बजीज़ को उठा लो, कॉकटेल उठा लो, लबर्ड उठा लो, कोई भी बर्ड उठा लो, यहाँ पे बर्ड्स का एकदम हालत ख़राब है। सो यहाँ से प्लीज़ बर्ड्स को परचेज़ मत कीजिए और अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए। अगर आपको बर्ड्स चाहिए है तो प्लीज़ कोई भी ब्रीडर्स आप मेरे से कांटेक्ट करो, अगर लोकल में हो या फिर अगर कोई भी ब्रीडर्स है आपके इलाका में वहाँ से आप बर्ड्स को लो, क्योंकि वो लोग आपको बहुत अच्छा एक गाइड भी देगा, बर्ड्स का क्वालिटी भी अच्छा रहेगा और बर्ड्स का डेथ इश्यूज़ भी नहीं आएगा। सो प्लीज़ आसनसोल पेट मार्केट से बर्ड्स ना उठाओ तो ही आप लोगों के लिए बेटर है। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना बर्ड्स का अच्छे से टेक केयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।